अस्सलाम वालेकुम। इस बार मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं गया डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम। ये ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, और इसमें इतना ज़बरदस्त इन्होंने इसको बनाया है, एक क्या फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की है। ये आपको ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। और स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी एक ट्रेन से, जो कि पार्किंग एरिया से लेके हमें पार्क तक ले जाती है। तो आइए देखते हैं। देख रहे हैं ना, आपने देखा क्या ज़बरदस्त ट्रेन बनाई है इन्होंने। और ये ट्रेन गाड़ियों के रोड्स के ऊपर से जाते हुए हमें ले गई एक होटल के बीच में से, और फिर सीधा हम एंटर हुए पार्क। इसके बाद जब हम एंटर हुए, डिफरेंट शॉप्स थी, डिफरेंट राइड्स चल रही थी। उसमें इन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए थे, जिसमें से अब मैं आपको दिखाऊंगा एक एडवेंचर लैंड में हमने, और उस एडवेंचर लैंड में क्या क्या होता है। अलादीन का किसने नाम नहीं सुनाया। उसकी भी एक राइड थी, एक कारपेट फॉर्म में राइड बनी हुई थी, बच्चों के लिए बेस्ट थी। हम तो बच्चों के साथ, बच्चों के लिए गए थे, तो उसमें बैठे, एंजॉय किया। और गेस व्हाट, बच्चों से मिलने के लिए अलादीन और प्रिंसेस जैस्मीन आ गए। तो एक पिक्चर खिंचवाई, थोड़ी इन्होंने बातें की, और फिर हम निकल पड़े बोट राइड के लिए। क्या बोट राइड थी! पहले तो उसमें हमें तकरीबन 45 मिनट्स वेट करना पड़ा लाइन में, क्योंकि इतने लोग आए हुए होते हैं, 45 मिनट्स तो मिनिमम आपको हर राइड के लिए वेट करना पड़ता है। हम लाइन में लगे, लेकिन मौसम अच्छा था, बहुत गर्मी भी नहीं थी, तो बड़ा एंजॉय किया हमने उसमें वेट करते हुए भी। और फिर जब हम बोट में बैठे, क्या बोट राइड थी, देखें।
फिर हमने चले गए परेड देखने। परेड वहाँ पे ज़बरदस्त होती है एवरी इवनिंग, और इसको देखने के लिए सारे जो लोग आए हुए होते हैं वो साइडों में बैठ जाते हैं और फिर इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा इसका भी नज़ारा करें। मैरी गो राउंड में कौन नहीं बैठा, वो तो बच्चों की फेवरेट होती है। और इस दफ़ा मैंने इसमें देखा, नॉर्मली हमारे मुल्क में मैरी गो राउंड में सिर्फ बच्चे ही बैठते हैं, पेरेंट्स साइड में खड़े हो जाते हैं, यहाँ तो पेरेंट्स बड़े बड़े सब भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं भी बैठूँगा, तो बच्चों के साथ हम भी बैठ गए। देखें फिर ये राइड भी बड़ी मज़े की थी। इसमें हम एक बोट में ही बैठते हैं, छोटी सी, जो कि पानी के अंदर आपको एक अंडरग्राउंड उसमें ले जाती है जहाँ सेट्स बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के लिए राइड्स थी। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के सेट्स बने हुए थे और फिर उनकी कैरेक्टर्स थे और फिर जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक बज रहा था। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था उस राइड में, आपको भी देखना चाहिए। Thank you.
कैसा लगा? अच्छा था ना? नॉर्मली रोलर कोस्टर्स और ये राइड्स तो सब दिखाते ही हैं, और सच पूछे तो मैं और बच्चे और वाइफ थे, तो हम बच्चों को अकेला छोड़ के अकेले रोलर कोस्टर में तो बैठना नहीं चाह रहे थे, बच्चों के साथ ही सारी राइड्स की। और फिर हम चले गए टुमारोलैंड, और वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक राइड्स थी। और इसके बाद हम गए एक कप सॉसर राइड में, ये तो बच्चों की फेवरेट निकली, और जो उन्होंने घुमाया, जो घुमाया, उफ मज़ा आ गया। और फिर एंड में होते हैं ज़बरदस्त किस्म के फायरवर्क्स। ये फायरवर्क्स तो ऐसे हैं जो मिस ना करने वाले, और हमने भी मिस नहीं किए। और म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज होके फायरवर्क्स चल रहे थे, और इतने फायरवर्क्स हुए, इतने फायरवर्क्स हुए। आप भी देखें। और फिर सबकी फेवरेट प्रिंसेसेस, जो कि हर छोटी बच्ची या बच्चों की फेवरेट होती हैं, तो उनसे मिलने गए, मेरी बेटी को मिलाने। प्रिंसेसेस सिंड्रेला, एला, टियाना, रेपंजल, उन सब से मिले। और फिर जो उसको मज़ा आए उनसे मिलके, और क्या उन्होंने उसको ग्रीट किया, उनसे मिलती हैं और फिर पिक्चर्स खिंचवाती हैं, उससे बातें करती हैं, वो तो उनके अब ऑल टाइम फेवरेट हो गई हैं। देखें किस तरह मिलती हैं वो। Sorry. I think we should invite Cinderella too. She's a very sparkly dress as well. Can we do a big smile this way together, little princess? चले फिर, आई होप कि आपको ये ट्रिप अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।